हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिकेटर और टिनोपुरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जू क्लोरेला एंड जू जेंट्री प्रेजेंट इन हाइड्रा आर। तो जू क्लोरेला और जू जेंट्री जो होते हैं हाइड्रा में सिम्बायोन्ट के रूप में होते हैं, जो कि हाइड्रा के न्यूट्रिटिस सेल में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रा का जो ग्रीन कलर होता है वो जू क्लोरेली के कारण होता है। जू क्लोरेली और जू जेंट्री जो होते हैं सिम्बायोन्ट के रूप में न्यूट्रिटिस सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रा से कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और एक्सेट्री प्रोडक्ट को लेते हैं वहाँ से, और ये उसके बदले में हाइड्रा को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सेल अब्सेंट इन गैस्ट्रोडर्मी ऑफ हाइड्रा आर। तो हाइड्रा का जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है वहाँ पे न्यूट्रिटिस सेल पाया जाता है, ग्लैंड सेल पाया जाता है, सेंसरी सेल पाया जाता है, बट स्टिंगिंग सेल एब्सेंट होता है, क्योंकि स्टिंगिंग सेल जो होता है वो एक्टोडर्म यानी कि इपिडर्मिस में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अ रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज। तो रेडियली सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हाइड्रा होता है। रेडियल सिमेट्री पाया जाता है आपका सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा में। तो इकाइनोडर्मेटा जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा हाइड्रा होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमन बिटवीन ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामिशियम एंड निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर। तो पैरामिशियम का ट्राइकोसिस्ट और हाइड्रा का निमेटोसिस्ट जो होता है अटैचमेंट और डिफेंस में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पॉइजनस फ्लूड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। तो हाइड्रा का जो पॉइजनस फ्लूड होता है वो हिप्नोटॉक्सिन होता है, जो बेसिकली कंटेन करता है फिनॉल और प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रार। तो हाइड्रा में बेसिकली चार टाइप के निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, पेनेट्रेंट, एट्राइकस आइसोराइजा, होलोट्राइकस आइसोराइजा और वॉल्वेंट। जो पेनेट्रेंट होता है वो आपका सबसे लार्जेस्ट होता है, और वॉल्वेंट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट निमेटोसिस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया इज। तो ओविलिया का लाइफ साइकिल जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, जिसको कि मेटाजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि पॉलीफार्म और मेडुसाफार्म एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। पॉलीफार्म जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेडुसा को एसेक्चुअली, एंड जो मेडुसा फार्म होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलीफार्म को सेक्चुअली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट इज। तो पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट जो होता है वो फाइसिलिया होता है। फाइसिलिया की कॉलोनी जो होती है वो टेट्रामॉर्फिक कॉलोनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंस ऑर्गन ऑफ ऑरेलिया इज। तो ऑरेलिया का जो सेंस ऑर्गन होता है वो टेंटाकुलोसिस्ट होता है, जिसको रोपेलियम भी कहा जाता है। ये इनका नंबर 8 होता है, और टेंटाकुलोसिस्ट जो होता है उसमें लिथोसाइट्स पाए जाते हैं, और लिथोसाइट्स में कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉडी प्लान अकर इन सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा की बॉडी प्लान जो होता है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। सिलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म जो होते हैं उनका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग पाई जाती है माउथ और एनस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन सिलेंट्रेट। तो सिलेंट्रेट में जो फूड का डाइजेशन होता है, सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से फूड जाता है इंट्रा सेलुलर एंडोडर्मल सेल में, जहाँ पर उसका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टोटी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रा आर। तो हाइड्रा का जो टोटी पोटेंशियल होता है वो इंटरस्टिशियल सेल होता है। टोटी पोटेंशियल बेसिकली वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रू मेड्यूसी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा। तो ट्रू मेड्यूसी जो होता है वो स्काइफोजोआ से बिलोंग करते हैं। हाइड्रा को बेसिकली तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, इसमें हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ जो होते हैं उनमें पॉलीफॉर्म डोमिनेंट होता है और मेड्यूसा फॉर्म रिड्यूस होता है, और स्काइफो जो होता है उसमें मेड्यूसा फॉर्म डोमिनेंट होता है और पॉलीफॉर्म रिड्यूस होता है, जिसको साइफिस्टोमा भी कहते हैं। एंथोजोआ बेसिकली कोरल्स, यहाँ पर बेसिकली कोरल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर पॉलीफॉर्म पाया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड कंटेनिंग।
तो हाइड्रा बेसिकली उस फूड को खाता है जिसमें ग्लूटाथायोन कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में असफल रहता है। कि ऐसा कि इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ना तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज पाया जाता है और ना ही सेलेवरी एमाइलेज पाया जाता है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन इन हाइड्रा अकर्स भाई। तो हाइड्रा में गैस्ट्रुलेशन जो है डीलेमिनेशन के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रा का जो ब्लास्टुला सेल होता है वो स्प्लिट करके एक्टोडर्म और इंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिटी आर फीडिंग सेल ऑफ ओबिलिया आर। तो ओबिलिया की कॉलोनी जो होती है वो ट्राइमॉर्फिक होती है। तो जो न्यूट्रिटी आर फीडिंग कॉलोनी होती है उसको गैस्ट्रोजोइट हाइड्रेंथ या फिर फीडिंग सेल कहा जाता है। इसमें और इसमें ब्लास्टोस्टाइल और गुणेंजियम होता है, उसके बाद मेड्यूसा या फिर सेक्सुअल जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी अकर्स इन। तो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी ऑरेलिया में पाया जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्रेस्पी टोड मेड्यूसा प्रेजेंट इन। तो क्रेस्पी टोड मेड्यूसा क्या होता है कि ओविलिया जो होता है उसका जो उसकी बॉडी का जो एज होता है वहाँ पर थिन फोल्ड पाया जाता है, जिसको कि वेलम कहते हैं। और ये वेलम जिस जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको क्रेस्पी टोड मेड्यूसा कहते हैं, और जहाँ अब्सेंट होता है उसको ए क्रेस्पी टोड मेड्यूसा कहते हैं। और ए क्रेस्पी टोड मेड्यूसा आपका ऑरेलिया में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस स्टेटोसिस्ट ऑफ ऑरेलिया हैविंग लिथोसाइट्स कंटेंट। तो ऑरेलिया का जो लिथोसाइट्स होता है वो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट कंटेन करता है, जबकि ओबिलिया का जो लिथोसाइट्स होता है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर ऑफ पर रेडियस इन मेड्यूसा ऑफ ओबिलिया इज। तो ओबिलिया में बेसिकली फोर ऑर्डर के रेडियाई पाए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट होता है पर रेडियस जो इनका नंबर 4 होता है, सेकंड होता है इंटर रेडियस इसका भी नंबर 4 होता है, थर्ड होता है आपका एड रेडियस जिनका नंबर 8 होता है, और फोर्थ होता है सब रेडियस जिनका नंबर 16 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लार्वा ऑफ ऑरेलिया ईच है। तो ऑरेलिया का जो लार्वा होता है वो इफाइरा होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस ग्लैंड ऑफ फाइसिलिया सिक्रेट। तो फाइसिलिया का जो गैस ग्लैंड होता है इसको पुर्तगीज में ना फुआर भी कहते हैं। इसका जो गैस ग्लैंड होता है सिक्रेट करता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ग्रुप ऑफ जुआइड इन फाइसिलिया इज कॉल्ड। तो फाइसिलिया का जो ग्रुप ऑफ जुआइड होता है उसको क्वारबिडियम कहते हैं, और यहाँ पे फाइसिलिया की जो कॉलोनी होती है वो टेट्रामॉर्फिक होती है। तो यहाँ पे 4 टाइप के जुआइड्स पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है गैस्ट्रोजुआइड्स, सेकेंड होता है स्मॉल डैक्टिलोजुआइड, थर्ड होता है लार्ज डैक्टिलोजुआइड्स। जो डैक्टिलोजुआइड्स जो होते हैं ये फीडिंग जुआइड्स होते हैं, और फोर्थ और लास्ट वन होता है गोनोजुआइड्स, या जिसको ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोनोडिस्क स्ट्रोबिलिएशन इन इफायरा लार्वा। तो इफायरा लार्वा जो होता है मोनोडिस्क स्ट्रोबिलिएशन के लिए उसमें रिक्वायर करता है लिमिटेड फूड कंडीशन होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और मोनोडिस्क स्ट्रोबिलिएशन में एक बार में सिंगल इफायरा ही रिलीज होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है रिलीज ऑफ सेवरल इफायरा, वो रॉन्ग ऑप्शन है। इफायरा में दो टाइप के स्टोबिलेशन पाए जाते हैं, मोनोडिस्क और पॉलीडिस्क। मोनोडिस्क में क्या होता है कि इसमें सिंगल इफायरा लार्वा रिलीज होता है, और पॉलीडिस्क स्टोबिलेशन में एक से ज़्यादा लार्वा एक साथ में रिलीज होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस अकर्स इन। तो मेटाजेनेसिस के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं, ये ओबिलिया में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका फाइलम टीनोफोरा से है, कोलोब्लास्ट सेल ऑफ टीनोफोर्स आर। तो टीनोफोरा में पाए जाने वाले जो कोलोब्लास्ट सेल होते हैं इनका फंक्शन सेंसरी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट ट्रांसपेरेंट बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस एंड हैविंग स्पेशलाइज सेंसरी सेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो बायोल्यूमिनेसेंस बेसिकली टीनोफोर शो करते हैं, कॉम्प्लेट आपका जो फीचर होता है टीनोफोर का स्पेसिफिक फीचर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग आई ऑफ कैट इज। तो
बिरोय जो होता है इसको स्विमिंग आई ऑफ कैट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ टीनोफोरा हेल्प इन ऑफेंस एंड डिफेंस। तो जैसे कि पैरामीशियम आपका ट्राइकोसिस्ट होता है, उसके बाद हाइड्रा में आपका निमेटोसिस्ट होता है, उसी प्रकार से टीनोफोर्स जो होते हैं, टीनोफोरा के जो मेंबर होते हैं वहाँ पर लास्टो सेल्स होता है जो कि ऑफेंस एंड डिफेंस का फंक्शन होता है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कोरल इज कॉमन नेम ऑफ। तो कोरल बेसिकली एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं और रेड कोरल जो होता है इसको कोरेलियम कहा जाता है। ट्यूबीपोरा जो होता है इसको ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है, फंजिया को मशरूम कोरल कहा जाता है, और एस्ट्रिया जो होता है इसको स्टार कोरल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोरल रीफ फॉर्म अ रिंग अराउंड द लेगून ऑफ वाटर। तो एटॉल्स जो होता है वो लैगून्स के अराउंड रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।